आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मज़मून दिवाली का। दिवाली में उर्दू में किस तरह से मज़मून लिखेंगे, तो है दिवाली का त्यौहार हिंदू का एक बड़ा अहम त्यौहार है। ये दशहरे के बाद आता है और दशहरे के आने वाले हफ्तों में हिंदू लोग अपनी दुकानों और मकानों में सफाई करते हैं और दरों दीवार और किवाड़ों लग कर नया रन रोगन करके चमकाते हैं। इस तरह हर घर और दुकान में नई चमक दमक आ जाती है। यही नहीं बल्कि अपनी देवी देवताओं की तस्वीरों से खुशनुमा सीनरी और नए कैलेंडरों से सजाते हैं, जिससे हर एक मकान और दुकान में एक नई रौनक और शान पैदा होती है। दिवाली का त्यौहार राजा रामचंद्र जी की लंका पर फतेह पर पाकर अयोध्या वापस लौटने की याद में मनाया जाता है। इस रोज रामचंद्र जी लंका पर फतेह पाकर और 14 बरस का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। इनके साथ उनकी बीवी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण भी थे, इसीलिए इस दिन इन तीनों की वापसी एक दिन के तौर पर चिरागा यादगार चिरागा के तौर पर धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली के दिन हिंदू लोग सुबह सवेरे उठकर नहाते हैं और अच्छे कपड़े पहनकर अपने दोस्तों रिश्तेदार से गले मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद नेक खुशियाँ मनाने घरों से निकल पड़ते हैं। हिंदुओं का अकीदा है कि इस दिन लक्ष्मी देवी अपने दर्शन ज़रूर देती है, इसलिए इस दिन शाम को सूरज छिपने पर लक्ष्मी पूजा का खास एहतमाम होता है और सारे रात घर